ऐसे तैसे करके हमने अपनी लड़की की शादी करी। ससुर कहने लगे बाबा हमें 4 पहिया गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी दे दूंगा, मैंने गाड़ी की हाँ भी कर ली थी। बोला हम तेरे को तलाक दे छोड़ देंगे, हम लड़की नहीं आती तीसरी, बोले चाचा मैं नहीं आऊंगी। उन्होंने फांसी दी है, क्या दिया क्या नहीं दिया हमारी कुछ समझ में नहीं आया। निजाम पर गांव वाले हमारी बेटी की हत्या कर दी, हॉस्पिटल में लाकर डाल दिया, कहां से गाड़ी लाके दे हमारी बेटी का, हमने हिसाब से हमने अपनी बेटी खोई है। अब हमारी बेटी आएगी तो नहीं, पर हमारी बेटी का आत्मा को शांति मिली। जितने भी बंदों का हमने नाम लिखवाया, कल से अरेस्ट नहीं किया उनको, बंद नहीं किया गया। घूस देने के बाद पुलिस वाले कोई भी सुनवाई नहीं कर रही, मारने से क्या उनको दहेज मिल जाएगा? उसका फोन पुलिस की कस्टडी में होना चाहिए, वो फोन ऑन कैसे है और कस्टडी में क्यों नहीं है? एक मामला देश की राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित संजय गांधी अस्पताल से सामने आया है। आपको बता दें ये परिजन है, ये पूरा परिवार है। एक बेटी जिसकी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ससुराल वाले लगातार गाड़ी और कहीं दहेज की मांग कर रहे थे, दहेज देने के लिए ये लोग एबल नहीं थे तो ये दहेज नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद लड़की जो है उसको मार दिया गया, ऐसा हमको बताया जा रहा है। हम इनसे पूरी बातचीत करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है आपको उससे हम अवगत कराने की कोशिश करते हैं। मैं जो लड़के के पिताजी 10 फरवरी को 2022 को शादी की लड़की की, 3 महीने पहले शादी की थी, अच्छी तरह शादी थी। उन्होंने बाद में कोई ऐसे दहेज की मांग नहीं की थी, दहेज के मुताबिक मैंने गाड़ी स्प्लेंडर गाड़ी दी उनको। बेटी हमारे को कहती थी पापा ऐसे बात चल रही है क्या करूँ बताओ, मैं कहा बेटा कोई बात नहीं हो जाएगी, मैं बेटा उनसे बात करके मैं आपको गाड़ी दे दूंगा, मैंने गाड़ी की हाँ भी कर ली थी। अभी इमरजेंसी 4 पहियों वाली गाड़ी चाहिए, कौन सा मॉडल हो, कौन सी गाड़ी हो। वो चाह रहे थे कि तत्काल उनको दे दीजिए, तत्काल दी। आपने मना नहीं किया था, आपने कहा था जब भी मेरा ब्योत होगा मैं दे दूंगा, जब ही दे दो। 3 बेटी मेरे पास है, 3 बेटियों में गाड़ी के लिए तैयार था बिल्कुल। मैंने अपने दामाद को कहा था, मैंने बार बार मेरी बेटी मेरे को शिकायत कर रही थी पापा गाड़ी मांग रहे, मैं बेटा गाड़ी किसी हिसाब से दूंगा, मेरे पास टाइम है भी है नहीं, मेरे पास कैश है नहीं, मैं कैश होगा तो मैं दे दूंगा। उनके घरवाले से बात करके बोलूंगा। क्या करते हैं आप? मैं सर्विस करता हूं जी। आपका बेटा भी है? एक बेटा मेरे पास, 3 बेटी है। वो क्या करता है बेटा? बेटा पढ़ाई करता है। ठीक है, कमाने वाले सिर्फ आप? सिर्फ मैं ही हूं कमाने वाला। आपकी वाइफ है? हाँ वाइफ ही खड़ी है। के जो ससुराल वालों ने किया हमारे से कुछ नहीं इतला दी उन्होंने, और एकदम जो भी उसने उन्होंने फांसी दी या क्या दिया क्या नहीं दिया हमारी कुछ समझ में नहीं आया। हॉस्पिटल में लाकर उसको यहाँ कर दिया, और पुलिस वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, घूस खाई क्या किया ये हमें नहीं पता। ठीक है, बिना हिला पते के हमारी बेटी यहाँ लाके खड़ी कर दी, कम से कम मई के होने चाहिए थे नहीं होने चाहिए थे, मम्मी पापा होने थे नहीं होने थे। आपको कुछ भी सूचना नहीं दी गई? कुछ भी सूचना नहीं दी गई हमारे से कुछ भी। और इस टाइम हमें जितने भी बंदों का हमने नाम लिखवाया, कल से अरेस्ट नहीं किया उनको, बंद नहीं किया गया। हमारी बेटी को इंसाफ चाहिए और दहेज के उसमें उसको बंद करा जाए, हमने बराबर की टक्कर लेनी है। जहाँ तक वह दहेज मांग रहे हम कहाँ से दे गरीब आदमी, गरीब आदमी अपना पेट काट रहा, 3-3 बच्चियों का दहेज कहाँ से देगा? वे लोग दे रहे हैं अपनी बच्ची को, ये पूछो जाए उनको। शुरू में सब कुछ कैसा चल रहा था जिस वक्त शादी हुई थी? शादी चल रही थी, जब से टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए, शुरू से ही टॉर्चर कर रहे हैं शुरू से। तो आपकी बेटी ने कभी इसको लेके आप लोगों से शिकायत की? नहीं बोला, वो पता नहीं इसको धमकी दे रखी थी इसको। वो शादी हमारा प्रोग्राम होता, लड़की को नहीं आने देते थे, बोला हम तेरे को तलाक छोड़ देंगे, हम लड़की नहीं आती तीसरी, बोला चाचा मैं नहीं आऊंगी। लड़की को आपके मायके भी नहीं आने जाता? मेरी छोटी भतीजी की शादी हुई थी 27 मार्च को, उसमें भी नहीं आने दी इन्होंने। 24 अप्रैल का मेरे लड़के का फंक्शन था, उसमें भी नहीं आने दी लड़की को। क्या वजह थी कि आने नहीं दिया जाता था? कौन सी वजह थी? वजह उनको पूछो ना, क्यों नहीं आने देते थे लड़की को, क्या बात थी? ससुराल वाले कहाँ हैं? उन्होंने उनको जरूरत ही नहीं, आए कहाँ हैं? जाते ही नहीं वो। ससुराल वाले कहाँ हैं इस वक्त? बाहर फरार हो रहे थे सारे, निकल के सब बाहर, कोई बात नहीं कर रहा है। तो लड़की को घेर के चले गए, अब यहाँ पे वो दिखाई भी नहीं दे रहे, पुलिस वालों को घूस दे दी है। घूस देने के बाद पुलिस वाले कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। पैसे हम अपनी लड़की की बॉडी को तब उठाएंगे तब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पूरा परिवार गिरफ्तार करो। दहेज की मांग हम गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? तैसे तैसे करके हमने अपनी लड़की की शादी करी, ठीक है, मेरा ऐसे आने जाने नहीं देते थे पीर के अंदर, जैसे मायके से मिलना आता उसमें नहीं आने जाने दे रहे थे। मैं लड़की की चाची हूँ, ठीक है, हमारे जाने से पहले लड़की को वहां से फांसी से भी उतार दिया। पुलिस वाले कह रहे हमने शीशा तोड़ के निकाला, उसका वो दामाद था वो कह रहे मैंने शीशा तोड़ के निकाला, ससुर कह रहे नहीं नहीं मैंने दरवाजा तोड़ा, पड़ोसी कह रहे हमने किया। तो हमारी बेटी पुलिस वाले को भी मौजूद किया जाए जिसने शीशा तोड़ के निकाला,
और वो दो लड़कियां उसकी ननदे हैं जो जिसके साथ झगड़ा किया गया लड़के के साथ, वो गिरफ्तार होनी चाहिए। एक दिन पहले हमारी लड़की से बात हुई है रात को 9 बजे, उसके बाद उन्होंने प्लान रचा है ये मारने का। ये 10 बजे तक लाहौर लैंड थी तो उन्होंने कह रहा 8 बजे लड़की खत्म हो गया। 8 बजे कैसे खत्म हुई है? तो 10 बजे ऑनलाइन थी लड़की, 10 गए आप लोगों ने देखा था ऑनलाइन व्हाट्सएप पे, हमने देखा ऑनलाइन थी जब तक 10 बजे के बात हुई है उस वक्त नहीं, फोन पे बात नहीं, मैसेज ऑनलाइन थी। जी बेटी से बात हुई 10 बजे, उसके बाद बातें नहीं हुई, किसी की भी बातें नहीं हुई, उसके बाद उनको मार के डाल दिया और हॉस्पिटल में ला के डाल दिया। कौन सा इंसाफ है ये? कहाँ से दहेज दे इसको, ये बता कहाँ से गाड़ी ला के दे। उनके दो बंदे जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ठीक है, उनका वो पूरा जो है उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी एक रमेश जी है आयु है, वो बिल्कुल कोई बात जो है हमारी जो है सुनने को तैयार नहीं है। थाने में केस चल रहा है कंजावला में, सिर्फ एक ही बंदा अरेस्ट किया है, वो भी जो है जब उतारा था कस्टडी में लेकर के बैठे हैं। हम इस कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं। ये कह रहा है बगैर पूछे कस्टडी में लेके चले गए, वो कस्टडी वो होती है जो अंदर लॉकर में करे, वो अंदर ले जाके बिठाया हुआ आराम से फुर्सत से बिल्कुल, वो कभी बोलता मैंने शीशा तोड़ के, कभी कुछ ऐसे से बोल रहा बार बार। देखिए इस वक्त जो मामला यहाँ सामने आ रहा है कंजावला थाने का, ये मामला है परिजनों का, परिवार वालों का ये कहना है कि हम पुलिस कंप्लेंट भी कर चुके हैं मगर पुलिस जो है इस पर कोई जांच नहीं कर रही है। हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, जैसे निबिया केस, जैसे निबिया का केस था, अगर सारा कोई बहने भाई को सुन रहा होता हमारी बेटी को इंसाफ दिलवाए, इंसाफ हमें इंसाफ चाहिए हमारी बेटी का, हमने इंसाफ जो हमने अपनी बेटी खोई है। हरामजादों को सबको गिरफ्तार होना चाहिए। निजाम पर गांव वाले हमारी बेटी की हत्या कर दी और हमारे को दिखाया तक भी नहीं है, ये कौन सा इंसाफ है? दहेज मांग रहे हैं, कोई भी सुनता है मैं इंसाफ दिलाओ। मारने से क्या उनको दहेज मिल जाएगा? और कम से कम नहीं रखना तो हमारी बेटी को हमारे घर छोड़ जाते, हम अपनी को आप रख लेते हैं। अपना ऐसा तो नहीं करना चाहिए, जान तो नहीं लेनी चाहिए हैं? ये तो उन्होंने बहुत बड़ा वो करा ना, और वही बच्चे वही बैठे हुए हैं, तो हमारे को भी इंसाफ चाहिए। अब हमारी बेटी आएगी तो नहीं, पर हमारी बेटी का आत्मा को शांति मिलनी चाहिए, माँ को शांति मिलनी चाहिए। मरने वाला कभी सुचोप करता है, सुचोप कर दिया पहले ही उन लोगों ने, ये सब उसकी मौत होने के काफी घंटे के बाद में हमें कॉल करा। तो देखिए परिवार वाले इस वक्त जो पुलिस की जांच है, प्रशासन की जो जांच है, उस पर सवालिया निशान खड़े कर दे रहे हैं। दहेज को लेकर के मित्रों जिस तरीके से देश की राजधानी में लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिनमें देश की और कहीं दिल्ली की बेटियां झुलसती रही हैं, मित्रों देखने का विषय यहाँ पर यह है कि पुलिस कहाँ तक कार्यवाही करती है, क्या सच है क्या झूठ है, ये तो जांच का ही विषय है। इसी के साथ कैमरा पर्सन मानव के साथ मैं हिमांशु, झलको दिल्ली, संजय गांधी अस्पताल।